अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। माइल कॉलोनी फोन को बचाना है। ये हमारा कुत्ता पेड़ वार्ड 4 में अमरीन कॉलोनी में पूरे घरों में पानी है। चलो एक हफ्ते से हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा चेयरमैन साहब का गुजारिश करते हैं, चेयरमैन साहब और हमारा इंचार्ज अहमद सादी साहब साहब कुमार साहब को भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा कालीन में पानी है तो भी मोटर लगा के पानी निकाल रहे थे। आज एक रात के दिन में पूरा दुनिया की पानी आके फिर घरों में पानी आए थे। 4-5 दिन से मोटर लगा के पानी भी निकाल रहे थे हम, फिर भी आज रात में सडन बारिश में वैसे वो पूरा घरों में पानी है। इसका थोड़ा आउटलेट की मेन प्रॉब्लम है, आउटलेट छोटी लाइन 8 इंच का लाइन हुआ, उससे तरफ से भी पानी जाने का रास्ता नहीं है। वो घर पूरा बन के डाउन में गढ़ा थे, घरों में बन के अभी आउटलेट के लिए सब प्रॉब्लम बहुत हो रहे थे। और हमारा चेयरमैन साहब से भी बात किया, कमिश्नर साहब भी आए दौरा करे और इसको आउटलेट के जल्द से जल्द आउटलेट का काम निकालेंगे बोले, और इंशाल्लाह बारिश कम होतेगी वो काम निकालने के लिए हम कोशिश करें। यहाँ पर कुत्तापेट एरिया के अंदर कुत्तापेट पार्कस और अपने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमरीन कॉलोनी फोर्थ वार्ड में पूरा पानी यहाँ तक घुटनों से लेके कमर तक आ गया। उसकी वजह क्या है बोले तो इससे पहले पीछे कुंडे थे, वो कुंडे पूरे भर यानी कि कुंडे जाके पूरे प्लाटिंग हो के घरा वगैरह बन गए। बनने के बाद पानी जाने को रास्ता नहीं है, जब पानी जाने को रास्ता नहीं है तो पूरे घरों को मार लेते हुए वारिस कॉलोनी से जुबन कॉलोनी से पूरा नबील कॉलोनी तक रास्ता। तो हम अदबन गुजारिश करते हैं मैडम से कि उसका पानी जाने का रास्ता बनाइए और बहुत जल्दी क्या बोलते तो अपने आउटलेट भी नहीं है। ये एरिया को देखिए आप, कितना पानी भर गया। लोगा आने के बाद से जाने के बाद से घर में छोटे छोटे बच्चे, तो लिहाजा हम अदबन गुजारिश करते हैं मैडम से कि इसका हल निकालिए। हमारे काउंसलर साहब है, कुछ बोलेंगे। मेरा नाम सैयद समीउद्दीन कादरी है, वादी जुबैन कॉलोनी से बात कर रहा हूँ, कुत्तापेट। ये हर वक्त का है पानी आने का। मेरे घर में देखिए यहाँ तक पानी आ गया, मेरा घर का सामान पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पर कॉर्पोरेटर है, आते वोटिंग के टाइम पे ओढ़ डालिए मगर कुछ नहीं कर रहे। कॉर्पोरेटर का नाम है अहमद कसादी साहब, मगर कुछ कामा नहीं कर रहे। लोग यहाँ पर डरते अहमद कसादी है, कुछ बोलेंगे करेंगे, मगर मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरे घर में तकलीफ हुई इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपसे गुजारिश है मीडिया वालों से और सरकार से, KCR साहब आके देखिए, मैडम आए थे, सिर्फ मैडम दूर से फोटो आके अंदर ये नहीं देख रहे हैं। जिसके घर में पानी आया पूरा घर का सामान बर्बाद हुआ, मगर ये नहीं देख रहे। मेन रोड पे से आ रहे हैं, उन्होंने आके बता के मैडम को अंदर नहीं ला रहे, सिर्फ मेन रोड देख के चले जा रहे हैं। मेरा घर पूरा बर्बाद हुआ, मेरे घर से अलावा क्या कई लोगों का घर बर्बाद हुआ। यहाँ पर भी देख सकते पूरे घर गाड़ियाँ डूबे हुए हैं, पीछे मेरे साइड देख सकते आप लोग कैसी। हमारे से ये गुजारिश है आप आके हमारी बस्ती में ज़रा देखिए, ड्रेनेज लाइन बड़ी डालिए और साल को साल पानी आता। अब क्या है पूरा ड्रेनेज लाइन पूरा गलीस पानी, टॉयलेट का ज़रूरत का हर चीज़ का पानी उबल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे जुबैन कॉलोनी, गुप्तापेट, आमरीन कॉलोनी, यहाँ पे मुसलसिल बारिश आने की तरफ से पूरे घर पूरे एरिया डूब चुका है। और एक दो दिन के नीचे मैडम यहाँ की MLA सविता इंदिरा रेड्डी ने दौरा किया था, मगर जुबैन कॉलोनी को यह दौरे में शामिल नहीं हुए ना, ये उसके अंदर जो है तो रॉयल कॉलोनी के अंदर शामिल नहीं हुए। खाली एक दो दिन आ गए कुत्तापेट और अपने बिस्मिल्लाह कॉलोनी पहाड़ी शरीफ के कुछ हद तक एरियो में आगे दौरा करके चले गए। मैडम से गुजारिश करता हूँ आओ या आगे, यहाँ हालत देखो कैसे है। और यहाँ पे जो नाले थे, यहाँ पे जो छोटे मोटे तालाबा थे, कुंटे थे, वो पूरे फिलअप करके लाइन गिरा पर भेज दिए। आज इसलिए आज गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आपकी मेहरबानी है। आपको आप आके गरीबों के जो है तो परेशानियों को दूर करें आप।
और यहाँ पे जो लैंड ग्रैबर्स रोड आप बेचे और ये क्या बोलते अपने जो नाले थे वो नाले बेचे, उस वजह से ये गरीबों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मेरी गुजारिश है कि ये देखो आप आके देख के कुछ ना कुछ मसले को हल निकालिए। अपने लोग परेशान है, तो किसी घुटने तक पानी है तो किसी कमर तक पानी है। आप इंशाल्लाह आप देखिए आके देख के कुछ गरीबों का करिए।